नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भिंड में जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन न करने वाली किराने की दुकान को सील किया गया और दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आज सुबह दुकान निर्धारित समय से पहले खुली होने पर पुलिस ने जब दुकान को बंद करवाने का प्रयास किया तो दुकान मालिक और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प हो गई, जिसमें तीन आरक्षण के हाथ दुकान के शटर के नीचे दबने से चोटिल हो गए। इसके बाद में एसडीएम मोहम्मद इकबाल ने सक्रियता दिखाते हुए न केवल दुकान को सील किया बल्कि धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने की धाराओं में दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई। लॉकडाउन के बीच जन सामान्य के द्वारा नियमों का पालन न करने पर प्रतिदिन करीब 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और शाम को छोड़ दिया जाता है। इस दौरान कई बार पुलिस को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए भी देखा गया है। क्या बात हो गई आपके साथ में? बात ये हो गई यहाँ पे निकल रहे थे, दुकानों का ऑर्डर 10 बजे से था तो दुकान इनकी खुली हुई थी 10 बजे के पहले, तो अभी मतलब अब 10 बजे पहले ना 7 बजे खुली थी इनकी दुकान ना, तो अभी यहाँ पे इन पर छापा मारा, तो जैसे ही इनकी दुकान पे छापा मारा तो उन्होंने शटर बंदी करने की कोशिश की, तो हमने क्या शटर खोलने की कोशिश की तो ये शटर पे चढ़ गए तो हम लोगों के हाथ और पैर फंस गए। तो जब हमसे कहा कि भाई हमें छोड़ दो, निकलो यहाँ से, शटर ऊपर करो छोड़ो, तब भी इसने नहीं छोड़ा शटर। फिर जब साहब के कहने पर उसने खोला तब हम लोगों ने हाथ निकाला तो मेरे हाथ में चोट आई, सर का भी हाथ दबा गया इनका भैया का, और उनके पैर भी दबा हुआ था, पैर उनका पैर दबा हुआ था। हम तीनों लोग ही शटर में फंसे हुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ऋषिकांत जोशी।